भगवान की जय। आप देख सकते हैं कि एडवोकेट अंकुर शर्मा जी ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। जितने भी उनके सपोर्टर्स हैं, समर्थक हैं, यहाँ पर उनको शुभकामनाएं देने आ रहे हैं। अंकुर जी, बीजेपी आपने ज्वाइन की है, हालांकि 3 दिन पहले जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कुछ सिग्नल था जब आप नेशनलिस्ट फोर्सेज की बात कर रहे थे और एंटी नेशनलिस्ट फोर्सेज के खिलाफ खड़े होने की बात कर रहे थे, तो कुछ सिग्नल था। आज आपने फाइनली बीजेपी ज्वाइन की है, क्या रहे कारण भारतीय जनता पार्टी में आने? देखिए, मुझे लगता है कि आपने सिग्नल समझा होगा, लेकिन हमने साफ शब्दों में बता ही दिया था कि हमारा क्या निर्णय होगा। और उसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब से भी जब मुलाकात हुई और उन्होंने ज्वाइन करवाया, तो उसके बाद ये तय था कि पूरे समर्थकों के साथ हम भाजपा ज्वाइन करेंगे। और आपने देखा, आज हजारों की संख्या में लोगों ने हमारा, तमाम जो कार्यकर्ता है जम्मू संभाग के 10 जिलों में जितना भी काडर है, उन्होंने हमारे साथ भाजपा का दामन थामा है। आज जिस समय आप वोट डालने जा रहे हैं, 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है जम्मू कश्मीर में, जब आप पोलिंग बूथ में जा रहे हैं, तो चाहे 10 कैंडिडेट्स हो, 15 कैंडिडेट्स हो, विकल्प दो ही हैं जब आप बटन दबाते हैं आपके सामने, कि हम बटन दबा के अलगाववाद को मजबूत कर दें या बटन दबा के राष्ट्रवाद को मजबूत कर दें। तो जब ऐसी परिस्थिति जम्मू कश्मीर में बनी, और आपने लोगों के मैनिफेस्टो, स्टेटमेंट्स, पॉलिसी सब देखी है, कि जब हम वोट डालते हैं तो हमारा वोट या तो अलगाववाद या अलगाववादी ताकतों को मजबूत करने के लिए जाता है, या फिर भाजपा को वोट करके राष्ट्र और राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमने ये कॉन्शियस डिसीजन लिया कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को साइड पे छोड़ के हमने जो पार्टी बनाई, या हम जो पिछले 10 वर्ष से संघर्ष कर रहे थे और संघर्ष के आधार पर हम चुनाव लड़ सकते हैं, उस एम्बिशन को साइड पे रख के, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख के हमने भाजपा का दामन थामा। और आपके माध्यम से भी हम तमाम जनता को जम्मू कश्मीर की ये अपील करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, और हमारे समर्थक और हमें मानने वाले जितने भी हैं, वो खास तौर पर भाजपा को वोट करें, कमल के बटन निशान पर बटन दबाएं, ताकि भाजपा की जम्मू कश्मीर में सरकार बन सके, ताकि पीस एस्टैब्लिश हो। पीस जो 2014 के बाद धीरे धीरे सेटअप होना शुरू हो गया, और अब चूंकि आतंकवाद भी अपनी लास्ट लेग पे है, चरम पे, खत्म, खात्मे पे है, तो इस प्रोसेस को आगे ले जाया जाए, क्योंकि पीस एस्टैब्लिश होना पहली कंडीशन है डेवलपमेंट की, चाहे वो टूरिज्म डेवलपमेंट हो या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट होगी तो अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी होंगी। हम ना उन लोगों के हाथ में सत्ता सौंप दे जिनसे त्रस्त होकर 2014 में हम भाजपा को लाए थे। भाजपा ने अपना काम शुरू किया, भाजपा एक स्टेज तक 370-35 खात्मे के बाद IIMs, IITs, नेटवर्क ऑफ रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इतने institutions बनाने के बाद एक स्टेज पे पहुंची है जब एक बहुत ही क्रूशियल जंक्चर है कि हम अपने भविष्य का भी चुनाव कर रहे हैं। ये केवल MLA का चुनाव नहीं है, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादी समाज का, जो लोग देश के साथ हैं, उनका भविष्य क्या होगा, सुरक्षित होगा या असुरक्षित होगा, ये वो चुनाव करने का भी समय है। तो मुझे लगता है कि इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, एक बिगर पिक्चर को ध्यान में रखते हुए, हमने भाजपा का दामन थामा, और निवेदन भी करेंगे कि लोग भाजपा को वोट देके जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। 70 के बाद ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ना, लोगों में एक ना थोड़ी सी उम्मीद जागी है कि क्या डोगरा राज्य वापस आएगा, डोगरा रूल। मैं जब डोगरा रूल की बात करता हूं, तो क्या जम्मू कश्मीर को कभी डोगरा CM भी मिलेगा? क्योंकि लोगों में ये है कि 70 साल से जब CM बनता है, कश्मीर से ही बनता है, क्या जम्मू अपना कभी CM देख पाएगी? धर्मनिरपेक्षवाद या सेक्युलरिज्म रियल सेंस में, सूडो सेक्युलरिज्म नहीं, सेक्युलरिज्म इन रियल सेंस, ये डिमांड करता है कि अब जम्मू कश्मीर में एक डोगरा CM होना चाहिए, अब जम्मू कश्मीर में एक जम्मू संभाग का CM होना चाहिए। जनता का मैंडेट एक डेमोक्रेटिक सेटअप में सर्वोपरि रहता है। हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा को कश्मीर से भी सीटें मिलेंगी, हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा को जम्मू संभाग से तमाम पूरी सीटें मिलेंगी, और पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार अपनी बनाएगी। और फिर मुझे लगता है कि राष्ट्र में विश्वास रखने वाले लोग और राष्ट्रवाद में विश्वास रखने वाले लोग, उनके हिसाब से ही CM का चयन होगा। हालांकि मैं इस पर अधिकृत नहीं हूं ये कहना कि कौन CM होगा, किस तरीके से होगा, लेकिन हाँ, इंक्लूसिवनेस को आधार बना के, सेक्युलरिज्म को आधार बना के, कि एज अ मैटर ऑफ रूल, एक जगह से अगर CM रहा है और एक जगह से CM कभी भी नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि इस एनोमली को ठीक किया जाना चाहिए, ये होगा। लेकिन अल्टीमेटली ये निर्णय भी तभी पार्टी ले सकती है जब जनता पार्टी के हाथ मजबूत करे। इसीलिए कंसोलिडेटेड फॉर्म में एकजुट होके भाजपा को वोट दें। भाजपा के तमाम प्रत्याशी जो जम्मू संभाग में 43 सीट्स पे खड़े हैं, जो कश्मीर में, तो चलो अभी वोटिंग हुई, कुछ सीट्स पे होनी है, वहां पे जो खड़े हैं, वहां से पूर्ण बहुमत की सरकार एक बने, तो मुझे लगता है कि उज्जवल भविष्य की ओर हम अग्रसर होंगे। बहुत शुक्रिया। और पार्टी बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अंकुर शर्मा जी ने कहा है कि डोगरा CM, अब समय आ गया है कि यहाँ पर डोगरा CM होना चाहिए। धन्यवाद जी, राम राम।